और नए वीडियो में, जहाँ पे दोस्तों अभी मैं आपके सामने ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ जो दोस्तों आप सभी को बिल्कुल आईफोन का टक्कर देगा। मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स का स्मार्ट है। दोस्तों ये जो फोन है, मैं क्या बताऊँ, इसका जो कैमरा देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए इसका कैमरा। दोस्तों इसका जो कैमरा है ना, इसके बारे में मैं आप सभी को बताऊँ की भाई इसका कैमरा जो है उसका फॉर्मेशन क्या है। तो कैमरा का फॉर्मेशन पूरा जो है वो आईफोन का कॉपी है। दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो कैमरा है ऐसे बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐसे बना हुआ है, बिल्कुल सेम आईफोन का कॉपी यहाँ पे देखिए ऐसे बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आपको आईफोन का कॉपी एंड साइड में दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी दिया जा रहा है, ठीक ना। और पीछे सामने की ओर ये तो आपने देख लिया। और दोस्तों अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे आप इसका ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी आपको जो है वो दिया जाता है, जिस तरीके से आईफोन में आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि डायनेमिक आईलैंड, ठीक ना। तो चलिए अभी ये जो फोन है वो मेरे हाथ में आ गया है, अभी मैं इस फोन का आप सभी को बताने वाला हूँ दोस्तों, कैमरा सेटिंग और सब कुछ की भाई ये फोन कैसा है, क्या आपको ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अभी मैं आप सभी को इस फोन का पूरा डिटेल दिखाता हूँ और बताता हूँ दोस्तों कि क्या इतने प्राइस रेंज में आपको ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आपने देखा दोस्तों ये वीडियो मैंने आप सभी को स्पेशली इसलिए बना करके दिखाया है कि दोस्तों आप कम प्राइस के चक्कर में और आप जो है मतलब बेटर लुक के चक्कर में जाते हैं तो आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप बस दिखावे के लिए जाना चाहते हैं तो आप इस तरह की चीज जो है वो आसानी से परचेज कर सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें दोस्तों तो इसका प्राइस मैं आप सभी को बता देता हूँ, इसका प्राइस आपको कितना लग जाएगा, इसका प्राइस आपको लग जाएगा 8,999 रुपए, ठीक ना, 8,999 रुपए इसका प्राइस लग जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको ये जो है मतलब लेना है तो आप इसको आसानी से फ्लिपकार्ट के थ्रू भी ले सकते हैं और इसमें आप सभी को सब कुछ मतलब देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए अभी मैं आप सभी को इसका पूरा ओवरव्यू दिखाता हूँ कि भाई इसका कैमरा वगैरह कैसा है और क्या इसका लुक है, क्या कैमरा का क्वालिटी है, सब कुछ मैं आप सभी को आगे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो फ़ोन का लुक है, सबसे पहले लुक के बारे में बात करते हैं क्योंकि इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है वो ओनली कॉपी किया गया है दोस्तों आईफोन का, इसलिए इसका लुक इस तरीके से दिया गया है, ठीक ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ इसका जो डिज़ाइन दिया हुआ कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट, दोस्तों आपको नीचे साइड में टाइप सी पोर्ट, यहाँ पर आपको जो है स्पीकर मिल जाता है, हेडफोन जैक सब कुछ मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों चलिए सबसे पहले इस फ़ोन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कैमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरा टेस्ट, दोस्तों प्राइमरी कैमरा आप सभी को 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है, ठीक ना। ये जो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, फ्रंट में दोस्तों आप सभी को 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। देख सकते हैं कि ब्यूटी पोर्ट्रेट बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलता है। तो देखिए एक्चुअली इसका दाम कम इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये आपको 4G सेट मिलता है, 5G सेट अगर आप लेते तो आपको दाम इसमें ज़्यादा पे करना पड़ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा क्वालिटी वगैरह भी ठीक है दोस्तों, मतलब आप अगर पैसा दे रहे हैं लुक के हिसाब से तो क्वालिटी वगैरह ठीक है। देख सकते कि पीछे साइड आपको किस तरीके से यहाँ पर मिलता है, ठीक ना। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि फ़ोन में क्या क्या दिया हुआ है। तो माई फ़ोन में जाते हैं, सब कुछ देखते हैं। यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ दिया है, CPU इसमें 13 डुअल कैमरा दिया हुआ है 13 मेगापिक्सल का, और रैम 3 GB है दोस्तों, 64 का स्टोरेज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मॉडल नंबर इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि बैटरी इसमें 5000 mAh दिया हुआ है। और यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ मतलब इसका डिटेल वगैरह दिया गया है, ठीक ना। तो दोस्तों इतना कम प्राइस में अगर आपको इस तरीके का लुक वाला फ़ोन मिलता है तो ऑफिसली आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में 4G लेना ये एक चालाकी नहीं होगा।